सोलन में इस बार सोलनी मेला आयोजित नहीं होगा और न ही माता शूलनी की शोभा यात्रा निकलेगी। ये जानकारी सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि कल्याणों और मंदिर के पुजारी से उनकी गहन चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि माता शूलनी मेले पर जो परंपराएं निभाई जाती रही हैं, उसे वे उसी स्तर पर निभाएंगे, लेकिन माता शूलनी की शोभा यात्रा का आयोजन नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व को कोरोना महामारी ने घेरा हुआ है और जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत किसी भी तरह का समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा को इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि भीड़ में कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकल सकता है, जिससे संक्रमण फैलने का अंदेशा बना रहेगा, इसलिए एहतियातन परंपरागत शोभा यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि इस बार माता की शोभा यात्रा नहीं निकल पाएगी क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और जिला प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा कि कल्याणों और मंदिर के पुजारी ने इस बारे में अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे वे परंपराओं के साथ निभाए जाएंगे, जिसमें कल्याणे और मंदिर के पुजारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार इस धार्मिक अनुष्ठान का सारा कार्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव दिखाया जाएगा, साथ में माता की पूजा अर्चना लाइव दिखाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस पावन अवसर पर दान देना चाहता है तो वह माता के अकाउंट में ऑनलाइन दे पाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दिनों में किसी भी तरह के प्रसाद और भंडारे पर रोक लगा दी गई है। जो भी व्यक्ति ऐसा करते पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कहा कि कोविड के मद्देनजर रहते हुए कि मंदिरों को अभी खोला नहीं गया है, मंदिरों में अंदर ही बंद इसमें पूजा विधिवत पूजा हो रही है और इसी में एक हमने शूलनी मेला में ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया है। लोग मोबाइल में, यूट्यूब में और सब में इसको देख पाएंगे और अपने घरों में ही से ही देखें, क्योंकि 19, 20, 21 को जो शूलनी माता का जो मेला होता था, जो यात्राएं निकलती थी, उस दौरान हमने व्यवस्था लोगों को कहा कि हम प्रशासन और सारे अधिकारी सारे लोग घरों में बैठ के उस समय माँ शूलनी की स्तुति घरों से करें और अपना सहयोग दें। तो ये एक बहुत बुरी रहेगा, क्योंकि जो बेसिक मिनिमम रिचुअल्स हैं जो माता के अनुष्ठान से संबंधित इस मेले से हैं, वो कल्याणा के रिप्रेजेंटेटिव एक दो होंगे और पुजारी मंदिर में ही करेंगे। और इस प्रकार जो पहले पूरी यात्रा पूरे शहर की निकलती थी, इस प्रकार का कोई प्रोसेशन नहीं निकलेगा। कोई भी प्रकार का सूखा गीला लंगर वगैरह कोई प्रसाद बिल्कुल बैन है, ना आदमी करे। अरे कोई भी तो एपिडेमिक एक्ट के तहत प्रशासन बाध्य होगा। तो आप जो अपना योगदान समाज को देना चाहते हैं, माँ को भेंट करें